आज जिस विषय की चर्चा करना चाहता हूं वह विषय अथवा वह प्रवचन उन लोगों के लिए बहुत अर्थवान है जो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते, और उन लोगों के लिए बहुत काम का नहीं है जो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास नहीं करते। दृश्य जगत में स्वास्थ्य और रोग पर जो चिंतन हुआ है वह केवल शरीर के स्तर पर और थोड़ा बहुत मन के स्तर पर हुआ है। आयुर्वेद के आचार्यों ने कर्म के स्तर पर भी थोड़ा सा चिंतन किया, मात्र स्पर्श किया है, बहुत लंबा विवरण प्राप्त नहीं है। चरक में कर्मज रोग का उल्लेख मिलता है। कर्म पुण्य पाप आदि, पुण्य पाप आदि कर्म है और तज्जो रोग है कर्मज रोग है। पुण्य पाप से होने वाला रोग कर्मज रोग है। एक नया चिंतन जो अवश्य प्रस्तुत किया था कि रोग केवल वातिक पैतिक श्लैष्मिक और आगंतुक ही नहीं होता, कर्मज भी होता है। चार प्रकार के रोग तो प्रसिद्ध आयुर्वेद के, आगंतुक और उसके साथ वातिक पैतिक और श्लैष्मिक, किंतु एक कर्मज रोग इस सूचना ने एक नया आयाम खोला कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें सीधा संबंध वात पित्त और कफ का नहीं होता, केवल पूर्व जन्म कृत कर्म का संबंध होता है। भगवान महावीर ने कर्म शास्त्र का विशद निरूपण किया था। यदि हमारे सामने कर्म प्रवाद पूर्व होता तो शायद कर्म और रोग की भी विस्तृत चर्चा उसमें प्राप्त हो जाती, आरोग्य की चर्चा भी मिलती, किंतु वह ग्रंथ महाग्रंथ आज विलुप्त हो चुका है, हमारे सामने नहीं है। किंतु कर्म के बारे में जो सिद्धांत आज प्राप्त है उनका गहन अध्ययन करें तो रोग आरोग्य और कर्म का संबंध समझने में नई दिशाएं प्राप्त होगी कि सुख दुखानुभव साधनम शरीरम, शरीर सुख दुख के अनुभव का साधन है। तो शरीर साधन है, हमें आगे जाना होगा कि सुख दुख का अनुभव कैसे होता है और किससे होता है। घटना का संबंध है, घटना घटना है, किंतु कोई भी घटना न सुख देती न दुख देती। हमारी चेतना जुड़ती है तब सुख दुख का अनुभव होता है। घटना से कोई कष्ट सुख या दुख का अनुभव नहीं होता। अगर घटना से सुख दुख का अनुभव होता तो बड़ा ऑपरेशन कभी हो ही नहीं सकता। जो मेजर ऑपरेशन होते हैं और एनेस्थेसिया का या कोई भी ऐसा शून्यता लाने वाला प्रयोग किया जाता है और कष्ट के संवेदन मस्तिष्क तक पहुंचने का रास्ता रोक दिया जाता है, घटना चाहे कितनी है, कष्ट कितना कष्ट का हेतु बन रहा है पर कष्ट का अनुभव नहीं होता, क्योंकि दरवाजा बंद कर दिया, रास्ता रोक दिया गया। तो इसे बहुत स्पष्ट है कि हमें सुख और दुख का अनुभव किसी घटना विशेष से नहीं होता, किंतु उसके साथ हमारी मस्तिष्क की चेतना जुड़ती है
तब हमें सुख दुख का अनुभव होता है। तो यह हमारा शरीर सुख दुख के अनुभव का साधन है। जो सुख दुख का अनुभव करता है वह कौन है, उस चेतना को समझना होगा। वह चेतना जो सुख का अनुभव करती है, दुख का संवेदन करती है, और वह चेतना किससे प्रभावित होकर करती है, इस समस्या पर चिंतन करते समय वेदनीय कर्म हमारे सामने आता। एक कर्म है, आठ कर्मों में वेदनीय कर्म। उस कर्म का काम है कि चेतना को प्रभावित करना, सुख का संवेदन करना और दुख का संवेदन करना। प्रियता की स्थिति में, अनुकूलता की स्थिति में सुख का संवेदन, अप्रियता और प्रतिकूलता की स्थिति में दुख का संवेदन करना। यह संवेदन करना सुख दुख का, यह वेदनीय कर्म के प्रभाव से होता है। तो हम संवेदन करेंगे तो संवेदन के लिए यानी कर्म के विपाक के लिए एक सामग्री का निर्माण होता है जिसे नो कर्म कहा जाता है। एक कर्म और एक नो कर्म। नो कर्म कर्म की सहायक सामग्री। जब असात वेदनीय का संवेदन है तो शरीर में मन में रोग की स्थिति पैदा हो जाएगी जिससे असात वेदनीय अपना कर्म का फल दे सकेगा और उसको संवेदन करा सकेगा। एक बात को बहुत स्पष्ट जान ले, कोई भी कर्म अपना फल देता है गल हत्था देकर नहीं देता, यानी कि उसका गला पकड़ लिया। कर्म का जब विपाक होता है तो वह फल देता है माध्यम से, और वह माध्यम है कि जिस कर्म का विपाक होना है मति भ्रंश, मति विपरीता, मति विपरीत हो जाएगी, बुद्धि विपरीत हो जाएगी। तो मति का विपर्यय, बुद्धि का विपर्यय, चिंतन का विपर्यय, भावना का विपर्यय, ये विपर्यय कर ही कर्म अपना फल देता है। साक्षात कर्म कोई फल नहीं देता, कोई न कोई माध्यम चाहिए। सबसे पहले कर्म शरीर की ऊर्जा बाहर निकलती है और वह ऊर्जा तेजस की ऊर्जा को अस्त व्यस्त करती है। वह ऊर्जा शरीर की ऊर्जा को, जैविक ऊर्जा को अस्त व्यस्त करती है। उससे हमारा नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है, उससे हमारा ग्रंथि तंत्र प्रभावित होता है, शरीर की सारी क्रियाएं प्रभावित होती हैं और रोग का उदय हो जाता है और असात वेदनीय कर्म अपना काम कर लेता है। जैसे कोई बड़ा आदमी आता है, पूर्व तैयारी, पहले से तैयारी हो जाती है सारी, सड़कें ठीक करना, रास्तों को ठीक करना, मार्ग की व्यवस्था करना, ये सारे काम होते। वैसे ही जब किसी कर्म का विपाक हमारे सामने आता है तो उसकी पूर्व तैयारी होती है और वह पूर्व तैयारी शरीर के माध्यम से होती है। चार करण बतलाए गए, मन करणे, वही करणे, काय करणे और कम्म करणे। भगवती सूत्र में एक सुंदर प्रसंग आया कि कोई भी मनुष्य या प्राणी सात वेदनीय का अनुभव कैसे करता है, असात वेदनीय का अनुभव कैसे करता है। तो सात और असात का अनुभव करने के लिए ये चार माध्यम हो गए। मन एक करण है, मन के द्वारा सात और असात वेदनीय का अनुभव किया जाता है, वचन के द्वारा किया जाता है, शरीर के द्वारा किया जाता है और कर्म के द्वारा किया जाता है। जैसे एक बीमारी आगंतुक बीमारी मानी जाती है, सर्दी का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, वह
स्थिति असात वेदनीय कर्म को उदीरित करके लाती है, यानी असात वेदनीय का उदय नहीं हो रहा है, उस घटना ने असात वेदनीय को पहले ही विपाक में ला दिया। यह एक प्रक्रिया है जो आगंतुक रोग के नाम से जानी जाती है। अब उसमें चाहे आयुर्वेद का आगंतुक रोग हो, चाहे मेडिकल साइंस का जर्म्स और वायरस के द्वारा होने वाला रोग हो, वह भी आगंतुक रोग है, चाहे ये रोग हो, वह असात वेदनीय कर्म के विपाक को खींच कर ले आता। एक आदमी सुख का संवेदन कर रहा है, कोई समस्या नहीं है, उस समय अचानक बैठा है और गाड़ी जा रही है, ब्रेक फेल हो गया, आकर उसे टकरा जाती है, दूर बैठा है टकरा जाती है, यह एक आगंतुक स्थिति बनी है, किंतु वह स्थिति असात वेदनीय के विपाक को खींच कर ले आती है। जो सात वेदनीय का अनुभव हो रहा था बदल जाता है और असात वेदनीय हो जाती है। इसे हम चाहे रोग माने चाहे आगंतुक समस्या माने, इसका नाम भी रोग किया गया, आयुर्वेद में भी इस पर विचार किया गया। तो आगंतुक बीमारी भी हमारे बात पित्त और श्लेष्म में कोई न कोई वैषम्य पैदा करती है, हमें रोग का अनुभव होता है। तो यह है उदीरित कारण, उदीरित असात वेदनीय, और एक असात वेदनीय अपनी प्रक्रिया से आता है, अपने क्रम से विपाक में आता है, और वह जब विपाक में आता है तब अपने अनुकूल स्थिति का निर्माण करता है और व्यक्ति को असात का अनुभव कराता है। अब असात का अनुभव होगा तब रोग का संबंध जुड़ जाएगा, यानी शरीर को असात का संवेदन यानी दुख का संवेदन होना है, तो दुख का संवेदन होना है तो कोई न कोई बीमारी प्रकट हो जाएगी। हम ये माने कि किस कर्म के विपाक से कौन सा रोग पैदा होता है, बहुत सूक्ष्म बात बन जाए, हो सकता है सूक्ष्म विज्ञान में जाए तो यह हो सकता है कि किस प्रकार के कर्म के विपाक से या असात वेदनीय के किस प्रकार से कौन सा रोग पैदा होता है। सूक्ष्मता में जाए तो निष्कर्ष निकाला जाता है, कुछ गणित के समीकरण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किंतु अभी इतनी सूक्ष्मता की चर्चा नहीं हो रही है। स्थूल दृष्टि से भी विचार करें तो असात वेदनीय का होता है उदय और विपाक, तब कोई न कोई रोग पैदा होकर और असात के वेदन का निमित्त बन जाता है और असात वेदनीय कर्म के विपाक की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। यह रोग का संबंध कर्म का संबंध आचार शास्त्र से जुड़ा हुआ। असात वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है, सात वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है, इसकी भी चर्चा हमें करनी हो। भगवती सूत्र में अन्य आगमों में इसका बहुत स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है और एक जैसा प्रतिपादन है, अनेक आगमों में एक ही बात कि असात वेदनीय कर्म का बंध होता है पर दुखण याय, पर सोयण याय, पर पित्तण याय, दूसरे को सताना, दुख देना, उलझन में डालना, संताप देना, यानी क्रूरता की वृत्ति असात वेदनीय कर्म का संग्रह करती है। और इसके साथ साथ सात वेदनीय कर्म के बंध का प्रतिपादन किया गया, वह यह है कि पाणानुकंपया, भूयानुकंपया, जीवाणुकंपया, सत्तानुकंपया, अनुकंपा,
अदुखणया ए दुखणया ए सोयणया, किसी को दुख नहीं देना, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा। इससे सात वेदनीय कर्म का बंध होता है, हमारी श्रृंखला हो जाती है। रोग असात वेदनीय कर्म का बंध और असात वेदनीय कर्म के विपाक की स्थितियां एक श्रृंखला में आ जाती है। हम किसी रोगी के रोग को देखकर केवल व्याधि का निदान करें, औषधि के द्वारा उसकी चिकित्सा करें, रोग शमन का उपाय करें, ये एक स्थूल घटना है, स्थूल जगत में होने वाली घटना है। कुछ ऐसा होता है असात वेदनीय का विपाक प्रबल नहीं होने वाला है तो बीमारी शांत हो जाती है, मिट जाती है। और यदि असात वेदनीय कर्म का बंध तीव्र है, हजार दवा देने पर भी रोगी ठीक नहीं होगा, और यह प्रत्यक्ष घटना है। डॉक्टर भी मानते हैं, वैद्य भी मानते हैं, और अनुभव भी बतलाता है, रोगी स्वयं कहता है इतनी दवाइयां ली पर ठीक नहीं हो रहा। वह कर्मज रोग की स्थिति बनती है। ऐसा कोई गाढ़ कर्म किया हुआ है, इतनी गहरी क्रूरता, उस क्रूरता से जिन पुद्गलों का संग्रह हुआ है, जिन असात वेदनीय कर्म के पुद्गलों का संचय हुआ है, वह इतना प्रबल है कि बीमारी असाध्य बन जाती है। कितना उपचार करने पर भी वे पुद्गल अपना इतना प्रभाव डालते हैं कि सब दवाइयों को बेकार बना देते, अर्थहीन बना देते, सारी चिकित्साओं को निकम्मा कर देते। हमने देखा अनाथी मुनि के आंख में भयंकर वेदना हो, और इतनी भयंकर वेदना असीम कहा जा सकता। उपचार किए गए, बहुत उपचार किए, पिता ने धन का व्यय करने में कोई कमी नहीं रखी, पूरे परिवार का योग, धन का व्यय, और बड़े बड़े प्राणाचार्यों को बुलाया गया, चिकित्सा कराई गई, स्वस्थ नहीं बने, वेदना कम नहीं हुई, दर्द कम नहीं हुआ। उस समय उन्होंने कर्मज रोग की कर्मकृत चिकित्सा की, क्योंकि जो कर्मज रोग होते हैं अभ्यंतरोपाय साध्य, कुछ रोग होते हैं बाह्योपाय साध्य, और कुछ रोग होते हैं अभ्यंतरोपाय साध्य। हम जैन आगम के आधार पर रोगों को दो भागों में विभक्त कर दें, एक आध्यात्मिक रोग और एक बाह्य रोग। कर्म से होने वाले रोग आध्यात्मिक रोग है, अपने भीतर से पैदा हो रहे हैं, बाहर का कोई निमित्त नहीं मिला। एक बाह्य रोग जो बाहरी निमित्तों से हो रहा है, चाहे वात पित्त श्लेष्म के वैषम्य से, और चाहे कीटाणु और जीवाणु के योग से, किसी कारण से हो रहा है। तो जो बाह्य रोग है वे बाह्योपाय साध्य, बाह्य उपाय के द्वारा उनकी चिकित्सा की जा सकती है, किंतु जो आभ्यंतरिक रोग है, आध्यात्मिक रोग है, उनकी चिकित्सा बाह्य साधनों से नहीं की जा सकती, क्योंकि वे परमाणु इतने प्रबल शक्तिशाली हैं कि बाहर की चिकित्सा की दवाइयां औषधियां आती है, उनको वे अस्वीकार कर नकार देते, बिल्कुल निकम्मा बना देते, वे आभ्यंतरोपाय साध्य होते। अनाथी ने अभ्यंतर उपाय का सहारा लिया, ठीक हो गए बिल्कुल, और आंख झपकते ही ठीक हो गए। जहां दवाइयों ने कोई काम नहीं किया वहां वे ठीक हो गए। स्थिति पर विचार करें तो रोग के निदान में और रोग की चिकित्सा में एक नया दर्शन हमें प्राप्त होता है कि चिकित्सा केवल
औषधि के द्वारा ही नहीं किंतु अपने संकल्प के द्वारा भी की जा सकती है। ये जो संकल्प चिकित्सा का, फेथ हीलिंग का जो विकास हुआ है, उसका ये बहुत बड़ा एक आधार बनता है कि आस्था के द्वारा चिकित्सा की जा सकती है, विश्वास के द्वारा चिकित्सा की जाती है, संकल्प के द्वारा की जा सकती है और भाव शुद्धि के द्वारा भी चिकित्सा की जा सकती है।